खतरनाक चाइनीज वायरस कोरोना की चपेट में आए देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिसे उन्हें बाद में डिलीट करना पड़ गया। दरअसल अमित शाह ने 2 अगस्त को ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी, उसके बाद से ही वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इसी बीच मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का कोविड रिपोर्ट आया नेगेटिव। इस ट्वीट के करते ही सोशल मीडिया पर वेलकम बैक अमित शाह जी ट्रेंड करने लगा। एक ट्विटर यूजर ने ये मीम पोस्ट करते हुए लिखा, मोटा भाई टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड-19। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, गृह मंत्री अमित शाह जी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वेलकम बैक सर। इसी बीच न्यूज एजेंसी एनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि अमित शाह का कोरोना टेस्ट अभी हुआ ही नहीं है। इस खबर को पोस्ट करते हुए दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ता अपूर्वा सिंह ने ट्वीट कर लोगों को बताया, गृह मंत्रालय ने अभी अभी स्पष्ट किया है कि अमित शाह जी का कोरोना टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसके कारण हम हैशटैग वेलकम बैक अमित शाह जी ट्रेंड आगे नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु राम से प्रार्थना है कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। वेलकम बैक अमित शाह ट्रेंड के बीच फिलहाल आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है।